नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 31 दिसंबर यानी साल के आखिरी दिन में मुझे इंडियन एक्सप्रेस में एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज वन पर वही किसान, कोरोना, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जारी है। एक नए समाचार आए हैं, इंस्टेंट लोन ऐप्स। काफ़ी वर्षों से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन राज्यों में लोन एजेंट्स का आतंक तो जारी ही था, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल मनी लेंडर्स। अनौपचारिक रूप से जो लोग कर्ज में पैसा देते हैं, वो ब्रोकर, श्रॉफ प्रकार के लोग। धीरे धीरे वो लोग भी अब अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहे हैं। उनको RBI की अप्रूवल नहीं है, फिर भी वो गूगल स्टोर पे अपने ऐप्स अपलोड कर रहे हैं। कई सारे लोग जो कोरोना में उनकी नौकरी चली गई और उनको पैसों की मजबूरी है, ऐसे सब ऑनलाइन ऐप से पैसा उधार में लेते हैं, लेकिन फिर बदमाशी की जाती है। इस प्रकार के ऐप आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करते हैं, तो अगर आप टाइम पे उनका पैसा नहीं चुकाएं, तो फिर वो आपके परिवार वालों को, आप व्हाट्सएप पे जिन जिन ग्रुप के मेंबर हैं उन सभी ग्रुप में ऑटोमेटिक मैसेज भेजते रहते कि ये आदमी ने कर्जा वापस नहीं किया, इसके सामने हमने FIR लगाई है वगैरह, और ऐसा करके पूरा दिन आपको धमकाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, जिसके चलते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई सारे लोगों ने एक के बाद एक सुसाइड किए हैं, उसकी समाचार। तो इसमें एग्ज़ाम के लिए क्या काम की चीज़ है? मेंस में अगर निबंध में कुछ पूछा जाए डिजिटल पेमेंट्स, तो उसकी अच्छी अच्छी बातें तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी मुद्दे हैं कि अगर RBI ठीक से उसकी निगरानी नहीं करे, तो जो न्यूसेंस पहले ऑफलाइन होते थे, जहाँ पर शहरों में इस प्रकार के श्रॉफ ब्रोकर टाइप के लोग ऊंची ब्याज पर लोगों को कर्जा देते और फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, वो सारे मुद्दे अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हो सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड। कल हमने एक सर्वे देखा था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें कुछ ये बात हुई थी कि भारत में 41% पॉपुलेशन इज़ OBC, लेकिन पुलिस बल में सिर्फ 25% या उसके आसपास ही पुलिसमैन OBC कम्युनिटी से हैं। अब इधर भी याद करो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जब वो सर्वेक्षण आया था तो इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही मौज में आ गया था कि अब से मेरे पास जब भी लिखने के लिए कोई और कॉलम नहीं होगा, तो मैं इसी में से सिलेक्टिव डेटा निकाल निकाल के बहुत चिंता का विषय है करके छापते रहूँगा। वही तरीका लगता है अब इन लोगों ने ये पुलिस वाले सर्वे से शुरू किया है। कल बात की थी OBC रिजर्वेशन की, आज मुद्दा लेकर आए हैं कि सबसे ज़्यादा VIP सिक्योरिटी बंदोबस्त में कौन से राज्य में पुलिस वाले तैनात हैं। पता चला बंगाल, पंजाब और बिहार। यहाँ कुल मिलाकर 66,000 पुलिसमैन, वो सिर्फ कुल मिलाकर 19,000 मिनिस्टर, विधायक, जजिस, उनकी सिक्योरिटी में, VIP सिक्योरिटी में लगे हैं। और उसके विपरीत जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, जहां या तो आतंकवादी या उग्रवादी या माओवादी घटनाएं बहुत होती हैं, बहुत लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन वहां पर बहुत कम लोगों को VIP सिक्योरिटी दी गई है। तो ये विषमता क्या दिखाती है कि बंगाल, पंजाब और बिहार में ये नेता लोग सिर्फ टशन मारने के लिए 10-10, 15-15 पुलिस वाले अपनी VIP ड्यूटी में लगाते हैं, और उसके चलते वहाँ पर रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था प्रबंधन के लिए पुलिस वालों की संख्या कम रहती है, तो वहाँ पर हमें ऑर्डिनरी लाइफ, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स दिखती है। ये सब एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का है क्या? तो बहुत ज़रूरत पड़े तो कहीं पर पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में लिखना हो, आप एक आध लाइन में जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वो तो ये डेटा हमारे पास नहीं भी होता तो भी हम लिख सकते थे कि VIP बंदोबस्त के नाम पर जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा और श्रिंक करने की ज़रूरत है। सो दैट वॉज पेज टू। फिर हम चले पेज थ्री और पेज फोर पे स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में आज कुछ काम का नहीं। फिर हम चले पेज फाइव, जहाँ मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक बड़ा सा अंग्रेजी में विज्ञापन दिया है कि उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या काम किए हैं। लेकिन कौन सा किसान अंग्रेजी में अखबार पढ़ता होगा कि वो ये सब देख के खुश हो जाएगा और अपनी जो ये फार्म प्रोटेस्ट चल रही है उसको छोड़ देगा। कुछ महीनों पहले दिल्ली राज्य सरकार ने भी एक बड़ा सा विज्ञापन दिया था कि कैसे दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों ने CBSE बोर्ड रिजल्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसका कुछ केस भी गया था कि ये क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दिस, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी थी। अब ये कंटिन्यूसली ऐसे जो समाचार और विज्ञापन आ रहे हैं, लेट अस सी इसमें भी कोई PIL करता है कि नहीं। पेज सिक्स पे चले, ऐसे ही सब एडवर्टाइजमेंट कुछ काम का नहीं। पेज सेवन भी एडवर्टाइजमेंट कुछ काम का नहीं। पेज एट भी एडवर्टाइजमेंट कुछ काम का नहीं। पेज नाइन स्टेट समाचार, उसमें भी आज कुछ खास नहीं। फिर हम चले पेज 10 और 11, जहां पर है कॉलम्स। आज एक भी कॉलम एक भी पैसे का काम का नहीं। पेज 10 पे लेफ्ट साइड पर जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं, दिल्ली पुलिस कुछ वकीलों की जांच पड़ताल कर रही है जो दंगों के केस लड़ रहे थे, उसकी सब कंट्रोवर्सी वाली कमेंट।
रजनीकांत ने कहा मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, उसकी सब कॉमेंट। फिर वो फ्रेंच फैशन डिज़ाइनर पियरी कार्डिन, उनका देहांत हुआ तो उसकी श्रद्धांजलि की दो कॉलम आई है। और फिर ये इकोनॉमिक रिवाइवल आफ्टर कोरोना, उसकी बड़ी कॉलम, लेकिन उसमें कोई ऐसे बड़े मुद्दे नहीं जो हम पहले से नहीं जानते। फिर हम चले पेज 11, एक कॉलम है कोरोना में डॉक्टर्स की ड्यूटी के बारे में, उसमें भी कुछ नया नहीं जो हम नहीं जानते। और दूसरा है लव जिहाद के बारे में, उसमें भी कुछ काम की चीज़ नहीं। तीसरा महात्मा गांधी, अपने मीन्स पेपर 4 में एक मुद्दा आता है लीडरशिप और कुछ बहुत महान व्यक्तियों की जीवनी के बारे में हमने तैयार करना होता है। गांधी जी की खास बात ये थी, ही बिलीव्ड इन द सेपरेशन ऑफ मीन्स एंड एंड्स, यानी अपना जो लक्ष्य है उसके लिए हम जो साधन इस्तेमाल कर रहे हैं उन साधनों में भी शुद्धि होनी चाहिए, उन्हें हिंसा करके आज़ादी नहीं चाहिए थी। और अगर कोई ऐसा करता तो उन्हें रोकने के लिए गांधी जी डट कर खड़े हो जाते, ज़रूरत पड़े तो खुद अनशन पे उपवास पे उतर जाते, जैसा उन्होंने चौरी चौरा और बाद में नोआखली में किया था। उसके विपरीत आज हमारे लीडर्स गांधी जी जितनी मॉरल अथॉरिटी, नैतिक बल नहीं रखते, मतलब वो अनशन पे बैठे भी तो कोई आदमी अपने हथियार फेंक दे कि मैं दंगा नहीं करूँगा या मैं प्रोटेस्ट नहीं करूँगा, मैं ये रेलवे की लाइन नहीं उखाड़ूंगा, ये सब होना संभव दिखता नहीं। दूसरा, आधुनिक भारत में जनता खुद को सिटीजन कम और कंज्यूमर की तरह ज़्यादा बिहेव कर रही है। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, कंज्यूमर को क्या देखता है, बस मेरी सहूलियत होनी चाहिए, मेरे कंज्यूमर राइट्स, मैं कहूँ ऐसा होना चाहिए, चुटकी बजा के मुझे सब मिलना चाहिए। तो ये जो फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट एंड राइट्स होता है वो कंज्यूमर की मेंटालिटी है, जबकि सिटीजन की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए कि मेरे पास कुछ अधिकार भी हैं लेकिन सामने मेरी कुछ नागरिक के रूप में जिम्मेदारियां भी हैं। सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ बोथ हीज राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज़। लेकिन आजकल भारत के नागरिक वो नागरिक की जगह अपने को कस्टमर ज़्यादा समझने लगे हैं और अपनी जो एक जिम्मेदारी होती है पब्लिक प्रॉपर्टी का, सार्वजनिक संपत्ति का हम नुकसान न करें, उसको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। कोई भी प्रोटेस्ट चलती हो, चाहे एग्रीकल्चर, रिजर्वेशन, सिटीजनशिप, लेबर राइट्स, हर जगह पर तोड़फोड़ की जाती है। गांधी जी ने कहा था स्वच्छता, लेकिन उनकी स्वच्छता का कंसेप्ट हमने सिर्फ कि ये कूड़ा करकट हटाना ऐसा नहीं, अपने दिमाग में भी जो कूड़ा करकट है उसकी भी स्वच्छता करना उतना ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार की ये नंदितेश नीलय की कॉलम महात्मास मैसेज, हालांकि मैंने अभी आपको जो बताया इसमें भी ऐसा कुछ नहीं जो आप पहले से नहीं जानते, लेकिन ये सब क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि रिफ्रेश होता रहे, अंग्रेजी बेटर होती रहे। मित्रों, मीन्स पेपर 4 में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ऐसा तो शायद ही होगा कि आप किताब में से कुछ रटके गए हैं और वर्ड बाय वर्ड वही लिख पाएंगे, ऐसी सब आपके पास बहुत ज़्यादा कमांड होगा बोल बच्चन करने का, तभी आप उसके जवाब असेंबल कर पाएंगे, इसलिए पढ़ने की आदत रखिए। फिर हम चले पेज 12, पेज 12 पे वही कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस वगैरह तू तू मैं टाइप के समाचार। असम राज्य सरकार ने एक बिल पास किया कि जो पहले सरकारी मदरसे चलते थे उनको अब हम रेगुलर स्कूल बना देंगे, लेकिन ये तो हम पहले भी पढ़ चुके तो ये वापस देखने का फ़ायदा नहीं। पारादीप पोर्ट, पोर्ट माने बंदरगाह, वहाँ पर और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र टाइप की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपनाने का तय किया है। अब पारादीप में करेंगे या कोलकाता पोर्ट में करेंगे वो चीज़ काम की नहीं, हमने मेंस पेपर 3 इन्वेस्टमेंट मॉडल में एक ही बार में थियोरी पढ़ के ख़त्म करनी चाहिए। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र क्या होता है कि सरकार और कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी वो मिलकर एक नई स्पेशल पर्पज व्हीकल, खास उद्देश्य से बनाई गई कंपनी बनाएंगे, और फिर वो कंपनी एयरपोर्ट बनाना है, बंदरगाह बनानी है, हाईवे बनाना है, वो काम ख़त्म करेंगे, और उसमें जो प्राइवेट पार्टनर है उस चीज़ की बिल्डिंग भी करेगा उसकी ज़िम्मेदारी, ऑपरेशन भी करेगा वो भी उसकी ज़िम्मेदारी, और ये ऑपरेशन करके जब मतलब बंदरगाह है उसको वो संचालन करेगा, वहाँ पर जो अलग अलग शिप आते हैं उनसे वो फीस लेगा, डॉकिंग और लोडिंग अनलोडिंग वगैरह की सुविधा देगा, और उसका जब तक ऑपरेशनल कॉस्ट और उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट रिकवर हो जाए उसके बाद वो अपनी ओनरशिप, अपने शेयर्स सरकारी जो एंटिटी है उसको ट्रांसफ़र कर देगा और वो निकल जाएगा। यानी क्या हुआ, पहले बिल्ड हुआ, फिर प्राइवेट पार्टी ने उसको ऑपरेट किया, अपना इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट निकाल लिया, और फिर उसने ट्रांसफ़र किया क्या, कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी सरकार को। तो ऐसी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स, उससे सरकार को फिर क्या फ़ायदा है, सरकार ने सारा पैसा अपने पॉकेट से नहीं निकालना है, सरकार के पास ज़रूरी नहीं कि इतनी सारी एक्सपर्टीज़ हो कि कैसे एयरपोर्ट या बंदरगाह बनानी है, तो वो सब प्राइवेट पार्टी उनको मुहैया कराती है और सरकार का ये काम हो जाता है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो एक बार में ऐसी सारी थियरी आप कंप्लीट करिए, ये ज़रूरी नहीं हर बार जो आए तो काम धंधा छोड़ के हम पढ़ने बैठे। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, 2013 में UPSC मेंस का सिलेबस चेंज किया गया था, उस वक्त जब ये सिलेबस में टॉपिक एंट्री हुई मेंस पेपर 3 इन्वेस्टमेंट मॉडल्स,
तो किसी भी कोचिंग वाले को अनुमान नहीं था कि इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी ने इंटरनेट और अलग अलग किताबों से जो माल बटोर के बनाया होगा, तब पाएंगे कि कोचिंग नोट्स में अननेसेसरीली अनावश्यक रूप से बहुत ही ज़्यादा एकदम डिटेल में, जैसे MBA फाइनेंस की हमको डिग्री लेनी हो इतने डिटेल में ये बिल ऑपरेट ट्रांसफ़र और दूसरे 25 प्रकार के ऑल हमको मॉडल समझाए जाते हैं। लेकिन फिर आप 2013 से लेके अब तक के मेंस पेपर का एनालिसिस करें, ऐसा कोई MBA फाइनेंस डिग्री का ज्ञान हमको पूछता है प्रश्न नहीं पूछा गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जितने भी प्रश्न पूछे गए वो एकदम जेनेरिक टर्म्स में थे कि इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, क्यों ये एयरपोर्ट वगैरह में सफल रहा या नहीं रहा और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस टाइप की जेनेरिक बोल बच्चन ही पूछी जाती है जो हमको इवन इकोनॉमिक सर्वे से भी मिल सकती। तो उस तरह से मर्यादित रूप से तैयार करिए, इसकी हमको PhD नहीं करनी। पेज 13 सरकारी समाचार भी कुछ काम का नहीं। पेज 14 भी राज्यों के समाचार, भारत सरकार ने एक टारगेट बनाया कि रक्षा क्षेत्र के उत्पादन डिफेंस सेक्टर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके हम लोग $5 बिलियन कमाना चाहते हैं। उसके लिए कैबिनेट ने अब तय किया कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जो 25 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है उसे फ्रेंडली नेशंस को, अपने जो मित्र देश हैं उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो डिफेंस के लिए ये एक समाचार, बाकी जितने समाचार है वो वही सब धर्म परिवर्तन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हुई, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट उसका जजमेंट नहीं दे हमारे लिए काम का नहीं। बाकी वही सब कांग्रेस BJP तू में टाइप की चीज़ें काम की नहीं। पेज 15 पे चलें हम, एक्सप्लेन सीरीज में भी आज कुछ काम का नहीं। एक तो बड़ी वाली है कि पूरे साल में क्या हुआ, लेकिन वही सब किसान कोरोना टाइप की चीज़ें। फिर दूसरी एक बड़ी कॉलम उन्होंने बनाई है कि क्यों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी को सीज किया, उसको क्यों जब्त किया। इतना सब हमने नहीं तैयार करना, हमको सिर्फ पता होना चाहिए 2-3 लाइन में कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निर्देशालय की भूमिका क्या है। तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक संस्था है, खासकर दो कानून के साथ जुड़ी है। एक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को वैध बनाना, ब्लैक को वाइट करना। जैसे दाऊद इब्राहिम अगर सीधा ही अपना पैसा बैंक में जमा करे तो पता चल जाएगा कि वो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, सब इनकम टैक्स वगैरह रेड मार सकते हैं। तो वो ऐसा करे कि कोई फर्जी थिएटर रेस्टोरेंट खोल दे और फिर उसका बैंक अकाउंट खोल के वहाँ से दिखाए कि ये तो मुझे रेस्टोरेंट या थिएटर की इनकम है और मैंने ये जो स्मगलिंग करता हूँ उसकी इनकम नहीं है। तो ऐसी जो सब प्रवृत्तियाँ होती हैं जहाँ पर अवैध धन को वैध तरीके से आया है ऐसा दिखाने की कोशिश हो, उसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन। तो उससे लड़ने के लिए एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जिसमें ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर है सब इन्वेस्टिगेशन, रेड, अरेस्ट वगैरह करने की। ऐसा दूसरा एक कानून है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारत में रुपया सामने विदेशी करेंसी डॉलर और दूसरी करेंसी, अगर हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में डॉलर को आने दे, रुपये को बाहर जाने दे, तो करेंसी एक्सचेंज रेट को स्टेबिलाइज रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बनाए होते हैं कि इतने से ज़्यादा पैसा आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, बाहर नहीं ले जा सकते, अगर बाहर से पैसा ला रहे हैं तो आपने डिक्लेयर करना होगा। तो अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों का पालन नहीं करता तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वहाँ पर भी कदम उठा सकता है। तो ये दो मुद्दे करने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो मतलब क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री की संस्था PMLA और FEMA एक्ट को लागू करती है। बाकी थोड़ा बहुत मेंस पेपर 3 में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आप पढ़ लीजिए, काम खत्म। अब हर जगह फारूक अब्दुल्ला का क्या किया या शेख हसीना का क्या किया वो सब काम का नहीं। पेज 16 पे चलें, वही सब ब्रेग्जिट डेनियल पर्ल टाइप के मुद्दे जारी हैं। नेपाल में प्रचंड धमाल भी जारी है, चीन वाले बहुत होशियारी मारने के चक्कर में उन्होंने अपने नेताओं को भेजा था कि उनकी क्राइसिस को सॉल्व करें, लेकिन वो भी खाली हाथ वापस आए। भाई पिछले 10 साल से जो नहीं सॉल्व कर पाए वो अब क्या करेंगे। मित्रों साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में कुछ जगह पर अबॉर्शन यानी गर्भपात की कानूनन मनाही है, वो क्रिश्चियन धर्म के अनुसार उसे गलत माना जाता है। तो अब ऐसे कुछ कुछ देश धीरे धीरे वहाँ पर एबॉर्शन को लीगलाइज किया जा रहा है, जैसा अर्जेंटीना में हुआ। तो इसकी पूरी एक सीरीज पैरेलली चलती है, लेकिन ये अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का नहीं, सो लीव इट। फिर हम चले पेज सेवन इकोनॉमी में। एक तो योजना चल रही थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मुद्दा ये था कि फार्मास्यूटिकल, मोबाइल हैंडसेट, स्पेशल टाइप के स्टील वगैरह, उसमें 2019-20 में आपका उत्पादन और उसके सामने हर साल आपने कितना ज़्यादा उत्पादन और उसमें से बिक्री हुई, सेल्स हुई, उस हिसाब से कंपनी को 4-6% कंडीशनल सब्सिडी दी जाती है, ताकि भारत में ही ये सब मोबाइल हैंडसेट से लेके फार्मास्यूटिकल से लेके सब चीज़ों का उत्पादन और बढ़े और विदेश की कंपनियां भी इधर भारत में असेंबल करना शुरू करें।
लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें थी कि आप पहले तो कंपनी परमिशन लेगी और फिर उसको बताया जाएगा 2019 के सामने आपने तुरंत इतने दिनों में अपना प्रोडक्शन शुरू करना है वगैरह। लेकिन ज़्यादातर कंपनियां बोल रही है कोरोना के चलते हमको एक तो फैक्ट्री शुरू रखने में दिक्कतें आ रही है, बाज़ार में डिमांड कम है, लेबर मिल नहीं रहे वगैरह। तो उन्होंने सरकार को कहा कि इसको और ज़्यादा नियमों को रिलैक्स कीजिए, लेकिन वो सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री हमारे लिए काम की नहीं, हमें सिर्फ सेलियंट फीचर पता होना चाहिए। उसी प्रकार किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी की ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन थिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस क्या है? एक तो सरकारी कर्मचारी तो उनकी सैलरी का कुछ पैसा कटेगा, सरकार खुद कंट्रीब्यूट करेगी और वो वाला सब पैसा एनपीएस फंड मैनेजर के रूप में जो भी बैंक काम कर रही होगी वो अलग अलग जगह पर उसको इन्वेस्ट करेगी, शेयर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और उसमें से ये अपने सरकारी कर्मचारी का पेंशन बनते रहेगा। उसी तरह मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिक भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने पॉकेट से ही पैसा कंट्रीब्यूट करना है, सरकार उसमें पैसा नहीं देती और फिर ये पैसा इधर शेयर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट हो और हमको पेंशन मिले। तो पहले तो ये सब सिस्टम आप ज्वाइन भी कर सकते थे, बीच में अगर निकल जाना हो तो एग्जिट भी कर सकते थे, लेकिन ऑफिस में जाके फॉर्म भरने पड़ते थे। अब सरकार ने ये नए नियम बनाए कि आप ऑनलाइन भी बटन क्लिक करके इस स्कीम में से एग्जिट कर सकते हैं। हाँ, तो वो तो कोरोना के चलते ये सब चलते रहेगा, मैंने बताया आपको ऑपरेशनल गाइडलाइंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उसी तरह इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सब के भी अलग अलग रिटर्न्स फाइल करने होते हैं पूरे साल का, तीन तीन महीनों का। अब कोरोना के चलते स्वाभाविक है उसमें भी दिक्कतें आएंगी, कई बार आपकी ऑफिस बंद है या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी को कोरोना हो गया तो कौन भरेगा, तो सरकार ने उसकी भी सब डेडलाइंस को रिलैक्स किया है। उसी तरह लेबर एम्प्लॉयमेंट के सर्वे होने वाले हैं, लेकिन जब तक कुछ उसमें से निकल के नहीं आए हमने तैयार करने का मतलब नहीं। इथेनॉल जिसको हम बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल करके पेट्रोल वगैरह में ऐड करें, उसकी सब सब्सिडी में सरकार ने कुछ सुधार किया, लेकिन वो भी काम का नहीं जब तक उसके आगे पीछे कुछ दीनदयाल या ऐसा नाम नहीं बन जाता। बाकी तो जेनेरिक टर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं कि हाँ सरकार सब्सिडी देती है। बिटकॉइन का प्राइस बढ़ते बढ़ते $28,000 हो गया। भाई बिटकॉइन चीज़ क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्यों इकोनॉमी के लिए ख़राब है, वो सब एक साथ में तैयार करो, हर बार ये चीज़ आ जाती है तो लेके मत बैठ जाओ। यानी ये तो सब छिटपुट समाचार थे, इसमें कुछ काम धंधा छोड़ के हम तैयार करें ऐसी नहीं थी। लेकिन एक जानने लायक समाचार, यूरोपियन यूनियन और चीन ने एक इन्वेस्टमेंट डील, निवेश के लिए समझौता साइन किया है। इसकी खास बात ये होगी कि पहले के ज़माने में अगर कोई भी यूरोपियन कंपनी जैसे BMW, पीगो, एलायंस, साइमंस, ये सब लोग अगर चीन में अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते तो चीन के FDI के नियम कुछ ऐसे होंगे कि उन्होंने कंपलसरीली किसी चाइनीज़ कंपनी को समझो 49% पार्टनरशिप देनी हो, फिर उनकी नई एक जॉइंट वेंचर टाइप की कंपनी बने, फिर वो वहाँ प्रोडक्शन शुरू करे। और उधर भी सरकार के, चीन सरकार के सब नियम ऐसे सख्त रहते थे कि ये BMW ने अपने इंजन बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको ट्रांसफ़र करनी होगी और फिर वही उसकी पायरेसी में दूसरी जगह दूसरे कंपनियों के इंजन बनाने में भी मिसयूज़ करे वगैरह। लेकिन तो ये सब तो चलते रहता था, लेकिन अब क्योंकि कोरोना के चलते चीन की इकोनॉमी भी पस्त हो गई है, वापस खड़ा करने के लिए उनको भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, तो अब चीन सरकार ने ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ इन्वेस्टमेंट डील की है उसमें सारे मुद्दे ऐसे हैं जो यूरोप को उससे फ़ायदा हो। कि पहला, यूरोपियन कंपनियां चीन में अगर अपनी फैक्ट्री या कुछ बिजनेस लगाना चाहती हैं तो लोकल पार्टनर के साथ कोई जॉइंट वेंचर करना ज़रूरी नहीं, वो खुद से आके खुद का अपना कर सकती हैं। चीनी सरकार अपनी लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडी देती थी वो भी कम करेगी ताकि स्पर्धा बराबर से बनी रहे। चीन में फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल होता है उस पर सरकार कुछ नियंत्रण लगाएगी। इवन क्लाइमेट चेंज पर भी चीन सरकार ज़्यादा सख्ती से कदम उठाएगी क्योंकि यूरोपियन यूनियन वो क्लाइमेट चेंज, ग्रेटा थनबर्ग, वो सब बहुत ज़्यादा चलता है। हाँ, तो इससे भारत को क्या असर पड़ता है, क्योंकि मेंस पेपर 2 में सिलेबस में लिखा है कि दूसरे देशों के ऐसे मसले जो भारत पे असर करते हो तो हमने तैयार करना है। हाँ, तो ये भी मुद्दा असर करता है कि ये BMW और साइमंस मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियाँ चीन में अपनी फैक्ट्री लगाए और भारत में नहीं लगाए तो हमारा नुकसान है। चीन जो इतने सालों तक कि नहीं नहीं हमें तो हमारी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, ऐसी उनकी जो पूरी क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप की मेंटालिटी चलती थी वो भी अब एकदम ओपन हो रहे हैं, तो भारत ने भी अपनी बिग बट पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ मुझे इंडियन आइडल बना दो, इस टाइप की मेंटालिटी से निकलना होगा। और यूरोपियन यूनियन से लेके RCEP से लेके दूसरे जितने भी बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होके कंक्लूड करने की आवश्यकता है। पिछले सालों की इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ ऐसी मिलती जुलती बातें हुई है कि भारत सरकार ने ये बिग बट पुअर मेंटालिटी को छोड़कर यूरोपियन यूनियन, USA और दूसरे सभी बड़े बड़े ट्रेड ब्लॉक्स के साथ हमने ट्रेड डील को कंक्लूड करने की ज़रूरत है, वरना
तभी हमारा जो $5 ट्रिलियन का जीडीपी बनाने का टारगेट कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद पेज 18 राशि भविष्य, और क्योंकि आज तो साल का आखिरी दिन है तो इन्होंने पूरा पेज भर के दिया कि पूरे साल आपका राशि भविष्य क्या होगा, कुछ काम का नहीं। पेज 19 स्पोर्ट्स के समाचार में भी कुछ काम का नहीं, पेज 20 स्पोर्ट्स समाचार में भी कुछ काम का नहीं। तो ये था साल का आखिरी न्यूज़पेपर।